न्यूट्री पालक की बनी होती, कोई कैमिकल नहीं, कोई सॉस नहीं, कोई कुछ नहीं आ लिया। न्यूट्री आ गई, लहसुन चंगी तरह मैश कर दिता है। लो जी, ये आ गई साड़ी प्लेट विच न्यूट्री, जिहदे विच पनीर भी पिया होया, अमूल का मक्खन आ गया जी, पंजाबियों की जान। इधर आ गया जी इन्हों का प्याज, तो नाल इधर लाल चटनी, हरी चटनी। सो आ प्लेट लग गई है जी, चेक करो। छोले विच भी पनीर, क्या बात है भाजी, मतलब पनीर का टुकड़ा छोलों में भी आता। तो इधर भी नाल प्याज, पुदीना चटनी, इतने छोले भटूरे, न्यूट्री कुलचा, न्यूट्री चावल, आलू वाले भटूरे, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारा समान। गुरु की नगरी अमृतसर में असी पहुँच चुके हैं जी। सो सारे मेरे वीरां प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी जो इत्थे टेस्ट करन आए हैं जी, अमृतसरी न्यूट्री कुलचा, जो असी मतलब सुनते आए हैं कि न्यूट्री कुलचा अमृतसर का, न्यूट्री कुलचा अमृतसर का। सो की खासियत हैगी, मतलब वही असी देखने आए हैं। सो असी लोकेशन आ, देखो सामने, देखो सबरी भटूरे वाली शॉप हैगी है। जी शॉप है ना, 10 साल पुरानी शॉप है, यह रेलवे लिंक रोड से पै रही है। ये शॉप 10 साल पुरानी की जी, उससे पहले रेहड़ी चलाते थे। सो इधर है जी इन्हों भटूरे, ये सिंपल भटूरे भी है, अमृतसरी कुलचे है, तो आलू वाला भटूरा दिखाइए भाजी। अच्छा आलू वाले खत्म हो गए, यार ये तो माड़ी गल होगी भाजी। यार लस्सी स्पेशल है भाजी, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ऐसा की है लस्सी, लस्सी पियोगे तो आप ही दसोगे, बाकी स्पेशल चीज। अच्छा ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਲਚੇ? ਅੱਛਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾ ਲੋਗੇ ਬਾਜ, ਕਿਤੇ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਸਾ ਕੀ ਖਾਸੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਕੀ ਖਾਸੀਆ? ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ, ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨੇ। ਲੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਾ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਜੀ ਇਥੇ ਡੇਲੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। सारा कुछ सारा कुछ तैयार कर लेंगे, मसाले उन्होंने नहीं पता होंगे सारा। अच्छा जी, हाँ वो किसी भी मतलब कि अपने बस ओनर उन्होंने को ही है, उन्होंने हर चीज छपा गई है। किन्ने बजे तक? 9 बजे तो लै गए, तो 6 बजे तक छप। जिहड़ा पनीर है वैसे मैश भी करके दे देंदे, उपरों भी पा देंदे आ। इधरों आ देखो लस्सी, लस्सी उत्ते देखो जी मलाई मार के दिती हुई है। आ देखो जी, फोकस कर ला वीरे कैमरे, ओए होए मलाई देखो, चेक करो। तो इधर चेक करो जी इन्हों के छोले, ओए हो यार ग्रेवी थिक है। तो इधर पनीर का पीस हैगा जी, मतलब मेरा मन ललचा रहा है, तो जी भी ललल पा रही है। तो इधर हैगी जी प्याज, तो नाल पुदीना चटनी, अमूल बटर पा के इन्होंने मतलब तैयार की न्यूट्री। पनीर पाया है, वैसे तो पनीर नू कट के देंदे, बट इस मैश किया क्योंकि यदा फ्लेवर थोड़ा होर वधिया वध जाए। सो आ देखो जी, क्या बात है जी। सो इधर छोले आ गए जी, ग्रेवी चेक करो जी, ओह क्या ही बात है। पनीर का पीस दिता हुआ, तो भटूरा देखो जी एकदम सॉफ्ट है जी, आ देखो जी आराम दे नाल टुट रहा। सो इन्हां दे कोल एक आलू वाला भटूरा भी है, जो कि इस वेले खत्म हो गया, तो जल्दी तुहानू आना पैना इत्थे। मतलब इस वेले असीं 3 बजे पहुंचे हैं, तो 3 बजे वो भटूरा खत्म हो जाता आलू वाला, पर आलू वाला स्पैशल आ। जलंधर में मैं ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ जोगिंदर भटूरे वाले दे कोल, पर इत्थे वक्त दे हिसाब दे नाल नहीं कर होया। छोले असी थोड़े डिप कर ले, तो ये उत्ते असी पावांगे जी पुदीना चटनी, तो नाल बिल्डिंग बना देंगे जी। तो ये उत्ते असी पा लिए थोड़ी पुदीना चटनी, तो नाल प्याज, तो मतलब हुण टेस्ट करते हैं। भटूरा एकदम सॉफ्ट, तो चेक करो भटूरे विच ना कोई ऑयल नहीं हैगा, क्या बात है जी, अल्टीमेट एंड नैक्सट लैवल है यार। न्यूट्री विच इन्होंने जिहड़ा पनीर हैगा मैश करके पाया, तो अमूल बटर पाया, तो वैजीटेबल्स पाइया। वैसे पनीर ये मैश नहीं करते क्योंकि लोगों को दिखाना होता पनीर, ये कट के पाते हैं, बट मेरे वीडियो वास्ते इन्होंने इनू मैश करके दिखाया। तो भटू जिहड़ा कुलचा आ देखो डिप किया हुआ इन्होंने च अपनी ग्रेवी के नाल, सो एकदम सॉफ्ट कुलचा, क्या बात है यार। मौत भी जाते सारी जी बाइट है ना घुल जाती है।
सो जी अमृतसर का जो पानी का टेस्ट आ जिस करके न्यूट्री वेच जो फ्लेवर आया वह क्या ही बात है जी। मैं स्पैशल एक गल होर रिपीट करना चाहवागा जो न्यूट्री वेच बटर का फ्लेवर आ ते एक स्पैशल होर गल कि जी इन्होंने ना न्यूट्री हैगी मैश करके दी है जो कि मतलब माउथ में जाते सारी जो ना फ्लेवर हैगा बस हो के आता तो नाल इनू मतलब चू करने जोर नहीं लाना पैंता। तो एक होर गल स्पैशल हैगी जी कि इन्हों की जड़िया चटनियाँ तो इन्हों की जी न्यूट्री है सवेरे सवेरे उठ के खुद बनाते हैं तो इतने ताज़ा ताज़ा ताड़े सामने सर्व करते हैं चटनी प्याज तो ये पा के इसमें असं मिक्स कर लिया तो बाइट लवेंगे तो फ्लेवर दस दें एक गल आ जे तुसी न्यूट्री अलग खाने कल्ली न्यूट्री भी खाने कुलचे दे नाल तां वी तुहानू घैंट जिहा टेस्ट आएगा बट जे तुसी चटनियां दे नाल खाओगे ना जी तां सोने ते सुहागा हो जूगा जी। एंड क्या कहने हैं ते यार मैं ज़्यादा गल्लां ना करा वीडियो लंबी नहीं करनी असी हुण नैक्सट वी तुहानू इन्हां दी जिहड़ी बिरयानी दिखावांगे। सो बिरयानी कह सकते हो या इन्हां दी वैज पुलाओ कह सकते हो जिहदे विच न्यूट्री पाया होया ते नाल उपर पनीर दा पीस आ देखो चैक करो ते चटनी नाल दित्ती हुई आ। सो फ्लेवर नूं टेस्ट करते हैं पनीर एकदम सॉफ्ट आ देखो जी मैं तुहानूं दिखाना चाहवांगा जी आ देखो इधर दबदे सारी जिहड़ी पनीर ना टुट जांदा है वैजीटेबल का जो जूसीनैस आती है जो ये करंच आता प्लस जो ये फ्लेवर है मसाले का खड़े मसाल क्या कहने दोस्तों। तो नाल इन्हों की लास्ट में एक जी चीज़ आ जाती वो हैगी जी स्पैशल लस्सी मलाई मार के टेस्ट कर दें ये ना जिदा मटके वाली होंगी ना मटके वाली लस्सी है ना मटके में पाई ये मैं दही उदा लग रहा फ्लेवर उदा आ रहा अच्छा ये जो मटका होंगे ना मिट्टी के भांडे में इन्होंने लस्सी बनाई है मेरे ख्याल जो फ्लेवर आ रहा उदा आ रहा क्या कहने यार। और ये मतलब टेस्ट में असी बाकी इस फूड में असी ना एक बार फिनिश करके लास्ट में तुम्हें पूरा रिव्यू दिने फ्रैश माल प्रिपेयर करते तो अपने गाहक नूं वेदे क्योंकि तुहाडे सामने देख सकते इन्नी भीड़ है कि मतलब मिनट बाद एक प्लेट दो प्लेट चार प्लेट भटूरे लगी आ रहे हैं। और मैं गल कहांगा जी कि इत्थे जरूर आना बनता जे तुसीं अमृतसर में आए हो क्योंकि एक पुराना अड्डा हैगा रेहड़ी तो शुरुआत की सी सर ने तो अज दुकान गुरु की कृपा दे नाल मिल गई तो इत्थे हुण लोकां नूं अपना जो टेस्ट हैगा दे रहे ने। और बाकी जे वीडियो वधिया लगी हो लाइक शेयर कमेंट चैनल में सबसक्राइब और तुहाडे वास्ते इदां दी वीडियो लैके आंदे रहांगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में सत श्री अकाल।